इतने आराम से बैठी हो, वैसे तो अपने भाई की मोहब्बत के तराने गाती रहती हो। और मामा कर भी क्या सकती हूँ, बार बार फोन ट्राई तो कर रही हूँ और भाई की खैरियत की दुआएं भी मांग रही हूँ। ये भी है, तुम उस विरसा को फोन मिलाओ, उसे मालूम करो, हो सकता है उसे कुछ पता हो। मैंने सोचा था पहले के भाभी से पूछ लूं, फिर हिम्मत नहीं पड़ी, पता नहीं भाभी किस हालत में होंगी। तुम उसे फोन मिलाओ, अपनी भाभी की पड़ी हुई है, भाई की कोई फिक्र नहीं है, लगे मेरा बेटा ठीक हो। अल्लाह, हेमन की कॉल आ रही है, सब खैरियत हो बस? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हेमन। भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, सब खैरियत तो है ना? मुझे आपके और वकार भाई के बारे में पता चला। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि सब क्या हो गया, कैसे हो गया। बस ये सोच के खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे तो वैसे भी एक ना एक दिन वकार की जिंदगी से जाना ही था, लेकिन ऐसे जाना पड़ेगा ये कभी नहीं सोचा था। भाभी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ। आपको पता है कि वकार भाई कहाँ है? क्या मतलब, वकार घर पे नहीं है? नहीं, वो घर पे नहीं है और पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनका फोन भी बंद आ रहा है। तुमने हमदान को फोन किया या फिर जूबी? जूबी तो खुद भाई को तलाश कर रही है। और हमदान फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब आपको भी कुछ नहीं पता। सुनो, तुम्हें कुछ भी पता चले ना तो मुझे जरूर बताना। प्लीज वकार खैरियत से? क्या हुआ बेटा? सब खैर तो है। हेमन का फोन था, बता रही थी कि वकार कहीं चले गए और किसी को भी नहीं मिल रहे। पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं वकार की जिंदगी में आई ही ना होती, इतनी मुसीबतों का सामना तो ना करना पड़ता उन्हें। नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और फिर तुम्हारी लाइफ कौन से काबिले रश्क है? हाँ, मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए।